न्यूज। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और सबकी नजरें कहीं ना कहीं उसे पर टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बढ़त के साथ हारने वाली है, ये किसी को नहीं पता था, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। वही इंडिया गठबंधन लगातार आगे जाते हुए नजर आ रही है। मैनपुरी सीट की बात करें, डिंपल यादव आगे चल रही है, अखिलेश यादव कन्नौज सीट पर आगे चल रहे हैं, वही अमेठी सीट पर केएल शर्मा आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए, ये हॉट सीट है जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी, कैसरगंज सीट जिसको लेकर लगातार घमासान जारी है। आपने देखा किस तरीके के मामले निकल कर आए, बृजभूषण सरन सिंह का टिकट काट लिया गया और उनके बेटे को टिकट दिया गया, अभी कुछ देर पहले वो भी पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को इन बड़ी सीटों पर घाटा देखने को मिल सकता है? वहीं वरुण गांधी को दरकिनार करके कहीं ना कहीं जीतन प्रसाद को मैदान में उतारा था, तो क्या इस बार पीलीभीत से भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है? क्योंकि पीलीभीत से भी जीतन प्रसाद पीछे चलते हुए नजर आ रही है। तमाम तरीके के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं और ये आंकड़े इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन वही अगर बात कर लिया जाए मायावती और चंद्रशेखर आजाद की, तो कहीं ना कहीं किसी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद तो एक ही सीट पर, नगीना सीट पर वो अपना परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। 90 हजार से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वही मायावती की बात कर ले, मायावती अम्बेडकर नगर में आगे चल रही है और ऐसी अन्य तमाम सीटें हैं जहां पर मायावती कहीं ना कहीं अपना परचम लहराते हुए नजर आ रही है। और इस बार माना यही जा रहा है कि 2019 के मुकाबले मायावती को 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार मायावती 15 से 20 सीटों पर अपनी बढ़त बढ़ा सकती हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जो झटका लगने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो राशन का मुद्दा उठाते हुए नजर आई थी और लोगों को कहीं ना कहीं इस बात से लुभाती हुई नजर आई थी, खासकर दलित वर्ग को और अन्य वर्गों को, कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा जो उठाया था और यूसीसी और 370, कहीं ना कहीं जनता को इस बार रास नहीं आया उनका ये मुद्दा। जनता जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए नजर आई, विपक्ष भी लगातार इसी मुद्दे को उठाता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं जनता का जो पक्ष है वो दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं इसी बात का फायदा इंडिया गठबंधन ने उठाया है और इसी बात का झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए स्मृति ईरानी की, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक टक्कर देते हुए नजर आई थी, बोल रही थी कि अगर हिम्मत हो तो अमेठी सीट पर चुनाव लड़कर दिखाइए, आज वही केएल शर्मा कहीं ना कहीं उनसे आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में स्मृति ईरानी को अपनी कही हुई बात पर पछतावा होने वाला है, या फिर ये जो इस बार का सियासी समीकरण है वो इंडिया गठबंधन के बाकी खेमे में जाता हुआ दिखाई देगा? इस बार के तमाम तरीके के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, अलग अलग मीडिया चैनल पे अलग अलग खबरें और अलग अलग आंकड़े निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सटीक आंकड़ा है कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का कोई नया चेहरा निकल कर सामने आ सकता है? अगर वही पीएम मोदी की जिक्र करें तो कुछ समय पहले पीएम मोदी 6000 से ज्यादा वोटों से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये आंकड़ा जो है वाकई में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के फेस पे जो आप इस बार इंडिया गठबंधन कहता हुआ नजर आया था कि इस बार हमारे प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरे हैं 543 सीटों पर, बल्कि पीएम मोदी का चेहरा 543 वोटों पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहते हुए नजर आई थी, वाकई में तो देखना यही होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये तो आज अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है या इंडिया गठबंधन अपना परचम लहराता हुआ नजर आता है, या फिर इस बार मायावती को कितनी सीटें मिलेगी और चंद्रशेखर आजाद जो सबके लिए हीरो का बनने का काम कर रहे हैं, जनता उनको लगातार पसंद कर रही है, उनको सुनना चाहती है, उनकी न्यूज को सुनना चाहती है, क्या वो इस बार नगीना सीट पर आधिकारिक तौर पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे? ये आंकड़ा जो भी होगा हम थोड़ी देर में आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। आप आगे की न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर। धन्यवाद।